कौन है ये, कौन है ये? अबे मच्छर, अबे मच्छर, सोच के आगे, जुर्म के पीछे। अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई ना, हर वक्त कहती रहती थी कि मैं तुम्हें वक्त ही नहीं देता हूँ, हर वक्त काम में लगा रहता हूँ। अब तो सब ठीक है ना, तो और लंबी छुट्टी पे जाना है? हाँ हाँ, चलो फिर से एक लंबी छुट्टी पर चलते हैं। वैसे भी सामान पहले से डिक्की में पैक है। तुमसे बातों में जीतना मेरे बस का नहीं है भाई। चलो दरवाजा खोलो चल के, मैं तब तक सामान निकालता हूँ। लेकिन अगले महीने लंबी छुट्टी पे जाएंगे, याद रखना। हाँ हाँ, याद रखूंगा बाबा, याद रखूंगा। गया पता नहीं। बेटा बेटा उठो बेटा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अब देखो बेटा, रोते नहीं, हम आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगे। अच्छा बेटा, हाँ रोते नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, राजा बेटा। हाँ आखिर ये बच्चा हमारे गाड़ी में आया कहाँ से? पता नहीं, और जिस हालत में है ये तो कुछ बता भी नहीं पाएगा। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ होंगे, इसके लिए कितने परेशान होंगे। बेटा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? देखो बेटा तुम कहाँ रहते हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत डरा हुआ लग रहा है, देखो कैसे सीने से लगा है मेरे। अब क्या करे? करना क्या है, चलते हैं CID ऑफिस। तारिका जी, अभी कैसी तबीयत है आपकी? नहीं नहीं, आप ना ध्यान रखा करिए ना, ये सारुंके से पता चला कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये सारुंके आई टेल यू ना। हाँ वे सारुंके, उसकी सारी बातें माना कीजिए आप। हाँ थोड़ा टेढ़ा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये डी कबाब में हड्डी है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये सारुंखे ना नाक में दम कर रखा है उसे। सर सचिन को खांसी हो गई है। हाँ तो दिख रहा है। क्या हुआ, कुछ लेते क्यों नहीं हो? अब ले रहा हूँ सर, अब बहुत कुछ लिया मैंने। इसीलिए बिना वक्त आ जाती है खांसी, है ना? अब लेना बंद कर दो। अरे यार फ्रेडी, एक बात समझ में नहीं आई, जिस बात पे दुनिया रोती है उस पे तुम हंसते हो, जिस बात पे दुनिया हंसती है तुम्हें रोना आता है। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था सर। नहीं पता क्या है तुमको? हा? अरे ये लोग कौन है? नहीं नहीं नहीं, कहिए। सर मेरा नाम राजेश कुमार है और ये मेरी वाइफ है। हम लोग इस बच्चे को CID को देने आए थे। अरे इस बच्चे को आप हमें देने आए, क्यों? सर वो क्या है ना, हम माथेरान से छुट्टियां मनाकर वापस आ रहे थे। वेरी गुड बॉय। क्या नाम क्या है आपका बेटा? अच्छा स्कूल जाते हो?
सर, हम लोगों ने घर पर भी पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कुछ भी बोल नहीं रहा। सर, मैं बात करके देखूं? मुझे बच्चों का एक्सपीरियंस है सर। अच्छा, करो। अब तो काफी ठीक ठाक लग रहा है, जब मिला था उस वक्त काफी सहमा हुआ लग रहा था। अच्छा एक बात बताइए, जब आप ढाबे पर रुके थे तब आपने गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोलकर देखा था? जी हाँ देखा था, लेकिन उस वक्त ये वहां नहीं था। अच्छा और कहीं पर रुके थे आप? अच्छा बेटा ये बताओ, ये तुम गाड़ी में कहाँ बैठ गए? हाँ सर याद आया, हमारी गाड़ी एक जगह पंचर हुई थी। तो फिर आपने गाड़ी में से स्पेयर टायर भी निकाला होगा, जैक निकाला होगा टायर बदलने के लिए? हाँ। तो हो सकता है ये बच्चा वहीं पे गाड़ी पे बैठ गया हो जहाँ इनकी गाड़ी पंचर हुई थी। तो फिर एक काम करो अभिजीत, उस जगह पे जाकर देखो जहाँ से ये बच्चा इन लोगों को मिला था, वहां सारे में देखो, हो सकता है कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इस बच्चे को भी साथ में लेकर जाओ, शायद इसे कोई पहचान ले। वेरी गुड सर, ये बच्चा आपसे काफी घुल मिल गया है, ऐसा लग रहा है कि आप ही का बच्चा है। हाँ ठीक है ठीक है। यार यहाँ आसपास न कोई दुकानें हैं ना कोई घर, तो फिर ये छोटा बच्चा यहाँ आपके पास कैसे आ गया? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। जरा आसपास चेक करो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं? आके इनकी डिक्की में बैठ गए, आइस पाई खेल रहे थे क्या? अच्छा एक बात बताओ, आपको आपको अपनी मम्मी के पास जाना है ना, तो क्या नाम है उनका? अरे कम से कम अपना नाम तो बता दे यार। यार हंसने वाली बात नहीं है, हंसते रहते हैं यार। यहाँ तो आसपास कोई सुराग दिख नहीं रहा है। सर मैं पूर्वी को फोन लगा देता हूँ, आसपास के पुलिस स्टेशन से पता कर लेगी कि इतना छोटा सा बच्चा गायब हुआ है, तो माँ बाप ने कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना सर। ठीक है पता कर। Excuse me. अभी आप लोग घर जाइए, जैसे इस बच्चे के माँ बाप के बारे में पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। विवेक तो बेटा कुछ बताओ आप। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा बेटा उन्हीं को ही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। कहाँ पर हैं वो? मैं ढूंढता हूँ बेटा। रोड तो बिल्कुल खाली है, सुनसान है, यहाँ तो आराम से कोई गुनाह कर सकता है। नहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे ने यहाँ पे कोई क्राइम होते हुए देख लिया हो और इसीलिए इतना डरा हुआ था? सर वो देखिए रेजिडेंशियल एरिया, सामने बिल्डिंग दिख रही है। हाँ वहाँ से कुछ पता चल सकता है। चलो इस बच्चे के घर वाले परेशान हो रहे होंगे, देखते हैं। इस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आपका घर है क्या? सर लगता है ये घर बच्चे का जाना पहचाना है। चलो देखते हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं। नहीं, नहीं। क्या हुआ? उसको नहीं आया। क्या हुआ बेटा? मैं हूं ना साथ में। क्या बात है? क्यों डर रहे हो? हाँ? हाँ? क्या हुआ? हाँ? क्यों डर रहे हो? कुछ पता था कि नहीं जाना। लगता है इसने अंदर कुछ भयानक देख लिया है। तुम लोग अंदर जाके चेक करो पूरे घर को, मैं इसके साथ बाहर रुकता हूँ। यार तुमने अपना नाम नहीं बताया यार, किस नाम से बुलाऊं तुमको? हैं? ओके कोई बात नहीं।
रस्सी? खून? खून तो ताजा है। फुटप्रिंट्स और ये निशान, लगता है किसी को जमीन पे खींच के ले जाया गया है। फिर किसे और क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी बॉल है क्या? अच्छा अच्छा, इस बॉल के चक्कर में यहां पर आए थे? कहां खेल रहे थे तुम लोग? किसी को बांध के रखा गया था क्या यहाँ पे? क्या हुआ, तुम लोगों को कुछ मिला? हाँ सर, खून मिला है सर, और एक जगह पर किसी को खींच के ले जाने के निशान है, और साथ में रस्सी भी मिली है। आपका शक बिल्कुल सही था सर, इस बच्चे ने यहाँ पे क्राइम होते हुए देखा है, और इस बच्चे ने वो क्राइम इसी खिड़की से देखा है। इसके बाद ये डर गया और कार के डिक्की में जाके छुप गया। सर, अंदर जो खून मिला हमें वो पूरी तरह सूखा नहीं था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ यहाँ पे 2-3 घंटे पहले ही हुआ होगा। ये देखा, ये छाल निकली हुई है पेड़ की। एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद जिस गाड़ी से भागे हैं वो कोई बड़ी गाड़ी है, कोई SUV। आपको कैसे पता चला सर? ये पेड़ की छाल देख रहे हो ना, जिस तरह से निकली हुई है इसका मतलब किसी गाड़ी का बम्पर इसे टकराया है, और अगर गाड़ी कार वगैरह होती तो ये छाल यहाँ नीचे से निकलती, क्योंकि कार का बम्पर थोड़ा नीचे होता है। ये हाइट किसी SUV की है। वो लोग इसी रास्ते से भागे हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई दूसरी रोड तो है नहीं, इसी तरफ से गए हैं वो लोग। अपूर्वी, आर यू श्योर? अच्छा सर, पूर्वी ने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से पता कर लिया, इस बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट कहीं नहीं लिखाई गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना छोटा बच्चा, उसके माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक काम करते हैं, आसपास जितने भी प्लेग्राउंड है वहाँ इस बच्चे को ले जाते हैं, शायद कोई पहचान ले, और इस रोड पे जितनी भी दुकानें हैं सबसे पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उसे SUV के देखा हो आते जाते। सॉरी बेटा, गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बदले में मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। दक्ष, तू इनके साथ क्या कर रहा है? तुम इस बच्चे को जानते हो? हाँ, ये मेरे पड़ोस में रहता है। पर ये आपके साथ क्या कर रहा है? बेटा, ये बच्चा खो गया है, हमें इसे इसके घर पहुंचाना है। इसके घर दिखाओगे हमें? ये लो बेटा, तुम्हारा घर आ गया। इतनी देर कहाँ लगा रही है तुमने? हाँ, किसी से लड़ाई की है तुमने? ये खो गया था इसलिए डरा हुआ है। आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से। मगर ये तो पार्क में खेल रहा था। वो तो पता नहीं, मगर ये खो गया था और एक बूढ़ी कपल के गाड़ी के डिक्की में जाकर के छुप गया था। उन्होंने इसे हमारे पास लाकर छोड़ दिया। रिकी कहाँ है? बेटा रिकी कहाँ है? बेटा वो भी तो आपके साथ गए थे ना, मेरा बोलो ना कहाँ है रिकी? मेरा बेटा रिकी कहाँ है? वो भी इसके साथ खेलने गए थे, आपको वहाँ नहीं मिला वो? एक मिनट, रिकी कौन है? इसका बड़ा भाई, वो तो सिर्फ 10 साल का है, वो भी इसके साथ पार्क में खेलने गया, कहाँ है मेरा बेटा? देखिए प्लीज, आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, आपके रिकी को हम ढूंढ निकालेंगे।
घर में हमें जो खून मिला था कहीं वो रिकी का तो नहीं है? उन क्रिमिनल्स ने हो सकता है रिकी को मारा पीटा हो सकता है। तो लगता है वहां जो कुछ भी हुआ इस तख्त को तो भागने का मौका मिल गया। रिकी बेचारा उनके चंगुल में फंस गया। कहीं ये किडनैपिंग का केस तो नहीं है? अगर किडनैपिंग है तो फिर किडनैपर्स इनको घर पर फोन करेंगे कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए। फोन तो आना चाहिए। काम करते हैं, इनका फोन टैप करते हैं। नहीं छुट्टा नहीं है मेरे पास। 500 की तो नोट किसी दूसरी दुकान पे जाके ले लो। जा जी साहब, क्या चाहिए आपको? कुछ जानकारी चाहिए। क्या जानकारी? देखो हम लोग सीआईडी से, यहाँ कोई बड़ी सी गाड़ी देखी है तुम्हें? एसयूवी टाइप की। 2-3 घंटे पहले यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? एक बड़ी गाड़ी निकली तो थी, स्पीड में थी, सरसराते हुए निकल गई। शायद काले रंग की थी। शायद काले रंग की थी या वाकई में काले रंग की थी? साहब इतने गौर से तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी एकदम नई थी। नई गाड़ी थी? जी। थैंक यू। एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी गाड़ियों के शोरूम हैं, वहाँ पे चल के इस एसयूवी के बारे में पता करते हैं। तो 5 घंटे होने वाले हैं, अभी तक किडनैपर्स ने कॉल भी नहीं किया। मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, भरोसा रखिए आप। हम लोग सही सलामत उसे लेके आएंगे आपके पास। सर एसयूवी शोरूम के मैनेजर ने जिन 5 लोगों के नाम हमें बताए थे उनमें से 4 लोगों को हम पूछताछ कर चुके हैं, वो सब क्लीन। उनका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। मतलब अब एक ही बंदा बचा है तो वही होगा इस एसयूवी का मालिक। कौन है वो? उसका नाम निशांत है सर। निशांत वो लॉयर? हाँ सर। एक फेमस लॉयर ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी में क्यों शामिल है? सर उसके घर जाके छानबीन करें। नहीं पूर्वी, निशान जैसे लोगों पर इतनी आसानी से उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए सर? उसके घर पे नजर रखते हैं। पर वो रहा निशान का घर। यहाँ से हम लोग अलग ले जाते हैं, कुछ भी हो तो फोन कर देना, ठीक है? सर वो आदमी निशान के घर की निगरानी रखे हुए है। निगरानी रख रहा है या हमारी तरह जासूसी कर रही है? सर निशान घर से बाहर आया। देखा सर, निशान का बिहेवियर काफी शांत था, चेहरे पे कोई घबराहट या हड़बड़ी नहीं थी। बड़ा शातिर आदमी है, उसने आंखों ही आंखों में अपने आदमियों को इशारा किया और चुपचाप वापस चला गया। अब क्या करें सर? निशान घर के अंदर होते हुए दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? आप लोग कौन है? सीआईडी। मिस्टर निशान, आपके घर के बाहर वो 2 लोग कौन है जो आपके घर पे निगरानी रखे हुए हैं? देखिए मेरे घर के बाहर तो सारी दुनिया है, मुझे क्या पता आप किन लोगों की बातें कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें आपने बाहर जाकर इशारा किया। जरूर आपको गलतफहमी हुई है, मैंने किसी को इशारा नहीं किया। और रही बात उन लोगों की, तो आपको जवाब दे चुका हूं, फिर से रिपीट करूं, मैं उन लोगों को नहीं जानता। और कुछ पूछना है आपको? हाँ,
पूछना है, रिकी कहाँ है? कौन रिकी? कौन रिकी? रिकी वो बच्चा जिसका किडनैप आपके काले कलर की एसयूवी में हुआ था। अब कुछ समझ में आया? जी नहीं, वैसे भी मेरी गाड़ी शहर से बाहर है तो उससे किसी का किडनैप कैसे हो सकता है? कहाँ गई आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी लेके मेरी वाइफ खंडाला गई है, कोई प्रॉपर्टी के सिलसिले में। कुछ और पूछना है आपको? निशांत, आपको मालूम है ना सीआईडी बाल की खाल निकाल के ही रहती है। रोज कोर्ट में मैं भी बाल की खाल निकालता हूं। देखिए मुझे एक जरूरी काम करना है तो प्लीज आप लोग। अभी तो हम लोग जा रहे हैं मगर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे। निखिल, ब्यूरो में फोन करके इस निशान के एसयूवी को फॉरन अलर्ट पे लगवा दो। शहर में कहीं भी ये एसयूवी दिखाई दे तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए। ये निशान कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ सर, हर बात पे झूठ बोला है उसने। तो मामला जैसे दिख रहा है वैसे है नहीं। इतना अमीर लॉयर निशान एक मिडिल क्लास घर के बच्चे को किडनैपिंग करके उसे क्या हासिल होगा? आरोप साहब, क्या? हाँ हाँ ठीक है, ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। अब क्या हुआ सर? उस खंडर जैसे घर में सचिन को जो खून मिला था वो ओ पॉजिटिव ग्रुप का था और रिकी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। मतलब रिकी के अलावा और किसी के साथ मारपीट हुई सर? और किसके साथ सर? अब ये बात तो निशांत ही बताएगा, उसके ऑफिस चल के पता करते हैं। क्या आप नहीं आ रहे सर? मगर कल केस की सुनवाई है और आप तो कह रहे थे कि आपको केस के बारे में स्टडी करना है। सिमरन मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है सर, ओके। क्या हुआ? सर नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? नहीं। ये सर को हो क्या गया है? इतना इंपॉर्टेंट केस खुद ही नहीं आ रहे। नीति, तुम्हें नहीं लगता कि सर एक दो दिन से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं? कौन अजीब सा बिहेव कर रहा है पिछले दो दिनों से? सर वो निशांत सर। क्या? ऐसा क्या हुआ? सर वो एक्चुअली निशांत सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहे हैं और कल उसकी तारीख है। कैसा केस? शेरा नाम का एक पहुंचा हुआ बदमाश है। शेरा? यस सर, निशांत सर ने इस केस पर बहुत मेहनत की है। उस शेरा को तो फांसी होकर रहेगी और पता नहीं एक दो दिन से सर को क्या हो गया है, ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं और कल इस केस की तारीख है। तुम्हारे निशांत सर दो दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, उन्होंने बताया नहीं क्यों? उनसे अभी फोन पर बात हुई, सिमरन मैडम की तबीयत बहुत खराब है। सिमरन मैडम की तबीयत बहुत खराब है? सर निशांत तो कह रहा था कि उसकी वाइफ सिमरन खंडाला गई है किसी प्रॉपर्टी के काम से, एसयूवी लेकर गई है। ये निशान झूठ बोल रहा था सर। हाँ अभिजीत, झूठ बोल रहा है और इस सब के पीछे उस शेरा का ही हाथ है, शेरा का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सिमरन की एसयूवी में ये रिकी कैसे फंस गया? सर, हेलो। हाँ अच्छा, कहाँ पे? ओह ओके, थैंक यू वेरी मच। या सर, उस एसयूवी के बारे में पता चल गया है। एसयूवी के बारे में पता चल गया तो फिर सिमरन और रिकी के बारे में भी पता चल जाएगा। संभाल के, अंदर किडनैपर्स हो सकते हैं। सर सिमरन और रिकी? देखते हैं। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है, चेक करो गाड़ी। ये सर,
हाँ सर, गाड़ी मिल गई है। हेलो, गाड़ी में बॉम्बे, जल्दी से जल्दी चले, सर जल्दी 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 अरे गाड़ी के पीछे रिक्की हो सकता है। हेलो फायर ब्रिगेड, ओह माय गॉड, बच्चे का जूता, इसका मतलब वो रिक्की गाड़ी में ही था। उसे बचा नहीं पाया, मैं बच्चे को बचा नहीं पाया। बम बहुत पावरफुल था रिजी, तुम लोग थोड़ा भी और करीब होते हो जाता गुड बाय। क्या होता, मरी जाते ना, लेकिन बेचारा वो बच्चा। इसमें तुम्हारी क्या गलती है अभिजीत? मेरी गलती ये है कि मैं उस बच्चे को बचा नहीं पाया, उसके माँ बाप से कह के आया था कि कुछ नहीं होने दूंगा। अभी क्या जवाब दूंगा मैं उसको? चलो तारिका, गाड़ी चेक करते। अरेगा तुम इधर से चेक करो, मैं उस तरफ से चेक करता हूँ। जाके बता दो अभिजीत को। अभिजीत, क्या हुआ? बॉडी देखने लायक नहीं है? कोई बॉडी होगी तो देखने लायक होगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि रिक्की गाड़ी में था ही नहीं। रिक्की गाड़ी में नहीं था? हाँ, इनफैक्ट गाड़ी में कोई भी ह्यूमन बॉडीज के एविडेंस नहीं मिले। ओह गॉड। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतना इमोशनल हो। गुड टू नो। जी डॉक्टर साहब, ये गाड़ी तो बुरी तरह से जल गई। इस गाड़ी की हालत तो इतनी खराब हो गई अभी जी, इसमें से तो कोई सबूत मिलना बहुत ही मुश्किल काम। डॉक्टर साहब, ये गाड़ी जलाई इसीलिए गई है ताकि कोई सबूत ही ना मिले। सर, अगर सिमरन और रिक्की गाड़ी में नहीं थे तो वो दोनों है कहाँ? शेरा की कैद में। दिमाग खराब कर रखा है शेरा ने, हर रोज किसी से झगड़ा, मारपीट, बाकी कैदियों से दादागिरी दिखाना। तंग आकर मैंने इसे अलग सेल में डाल दिया है। आइए। उठ, इन लोगों को तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, पर मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। क्यों रहे जेलर? नींद खराब कर दी मेरी। बताइए कौन है? ये सीआईडी से हैं। सीआईडी से है तो क्या करूं, आरती उतारू क्या इनकी? तमीज में रहकर बात कर शेरा। तमीज ही तो नहीं है मुझे। क्यों जेलर, वैसे सीआईडी वालों को क्या काम पड़ गया मुझसे? रिक्की और सिमरन कहाँ है? कौन रिक्की और ये कौन सिमरन? निशान की पत्नी सिमरन, जिसे तुमने किडनैप किया है, कहाँ है वो? तुम कुछ बोल रहे हो कि मैं जेल की कैद में हूँ? और मैं किसी को किडनैप कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी नहीं हूँ जो बिना दिखे छूमंतर। जा सीआईडी बाबू, अपना काम कर, रास्ता ना अपना चल। शेरा, बातों से काम हो जाए तो अच्छा,
नहीं तो हमारी लातें बहुत भारी पड़ेंगी तुझे। फांसी से पहले मरना चाहता है क्या तू? अगर मैं मर गया सिमरन को कैसे ढूंढोगे? सिमरन और रिक्की को तो हम ढूंढ ही लेंगे, मगर एक बात याद रखना, अगर इन दोनों को कुछ हुआ ना तो तू फांसी के फंदे तक पैदल नहीं जाएगा, उठा के ले जाना पड़ेगा। सर अगर हमें इस केस में कोई सॉलिड क्लू मिल सकता है तो वो शेरा से ही मिलेगा, और उसके रवैये से लगता है कि उसे कुछ भी उगलवाना मुश्किल है। जिले साहब, आपको पक्का यकीन है कि कोई भी इससे मिलने नहीं आया था यहाँ जेल में? जब से वो इस जेल में आया है तब से उससे कोई मिलने नहीं आया। सर मतलब उसने सिमरन की किडनैपिंग की प्लानिंग जेल में आने से पहले ही कर रखी थी? अच्छा, उसने जेल में किसी से यारी दोस्ती की होगी? नहीं, उससे सब नफरत करते हैं। सर अगर शेरा से जेल में मिलने कोई नहीं आया तो फिर इस तक ये बात पहुंची कैसे कि सिमरन किडनैप हो गई है? कोई तो रास्ता निकाल रखा है शेरा ने। सर आप क्या देख रहे हैं? ये हर सेल में पानी का मटका स्टूल पे रखा हुआ है कोने में। जी हाँ, सारे कैदियों के मटके स्टूल के ऊपर ही रखे जाते हैं। नहीं, सभी सेल में नहीं। तुम फिर आ गए सीआईडी बाबू, बातों से पूछो या लातों से, शेरा का जवाब तो एक ही होगा। अरे क्या हो गया सीआईडी बाबू, कुछ हमें भी बता दो। देखा जिला साहब, ये मटका ठीक खिड़की के नीचे रखा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ से बाहर क्या देखते हैं? वो मैं है क्या? कुछ नहीं। पता चलेगा क्या देखते हो तुम यहां से। क्या है सर? जेल की कंपाउंड वॉल दिखती है यहां से, उस दीवार के उस तरफ चल के देखते हैं। कोई फायदा नहीं है सीआईडी बाबू, कितने भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं मिलेगा। शेरा के सेल के खिड़की से ये दीवार दिख रही थी। सर हो सकता है यहाँ से उसे किसी ने सिग्नल दिया हो। नहीं पूर्वी, ये दीवार बहुत ऊंची है, यहाँ से ना वो सेल की खिड़की दिख रही है और ना ही उस खिड़की से इस दीवार के उस तरफ देखा जा सकता है। और सर अगर शेरा ने उस खिड़की से इस तरफ देखा है इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब होगा। सुनो भाई साहब। जी सुनाइए। देखिए, दिखाइए। हम लोग सीआईडी से हैं। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। ये बताओ कि पिछले दो दिनों में यहाँ पे कोई अजीब हरकत हुई, किसी अजीब आदमी को देखा या ऐसी कोई चीज जो तुम्हें अजीब लगी? हाँ, एक आदमी देखा था अजीब सा। कैसा आदमी? गुब्बारे बेचने आया था, वो उधर दीवार के पास साइकिल लेकर खड़ा था, पर एक भी गुब्बारा बेचा नहीं उसने, सारे उड़ा दिए। अगर उसने गुब्बारे ऐसे उड़ा दिए हैं तो शेरा ने अपने सेल के खिड़की से उसे उड़ते हुए जरूर देखा होगा। ओह, तो इस तरह से उसे पता चलता है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। सरगरी गुब्बारे वाला आदमी शेरा का है तो इसके जरिए हम सिमरन तक पहुंच सकते हैं। अरे सुनो, आप हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलिए, उस आदमी का स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। हो गया? तो ये है वो गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचने की वजह है गुब्बारे उड़ाता था, है? जी हाँ साहब, यही है वो आदमी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। बेटा इसे देखो, तुमने देखा इसे पहले कभी? एक मिनट बेटा, क्या हुआ? अभिजीत, इस बच्चे ने जरूर इस आदमी को देखा है उस घर में, देखते डर गया है।
तुमने इस आदमी को पहले देखा है कभी? पहचानते हो इसे? काफी डरा हुआ है सर। देखो बेटा, देखो, याद करो, इस आदमी को देखा है तुमने पहले कभी? बैड अंकल। बैड अंकल क्या किया इसने? बैड अंकल पिटपटंती। बैड अंकल फाट फाट आंटी। विजीत, लगता ये बच्चा निशान की बीवी सिमरन के बारे में बात कर रहा है। सिमरन को किडनैप करके किडनैपर्स ने उसे उस घर में रखा होगा और वहां उसे मारपीट भी की होगी। क्विक एक काम करो, चेक करो इस स्केच को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ, देखो कुछ तो पता चल जाएगा। यस सर। हाँ, मैच हो गया है सर। इसका नाम हिरेन है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और शेरा के लिए काफी टाइम से काम कर रहा है। अभिजीत, अब ये हिरेन ही हमें इस सिमरन तक पहुंचाएगा। कहाँ है सर? उस घर में साहब। ये जी साहब, वो सामने वाले में। यही घर है ना? 100% साहब। अपनी आज तक कोई खबर गलत हुई है क्या? वो आ रहा है साहब। सिमरन कहाँ है? मुझे कौन है सिमरन, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? तू क्या तेरा बाप भी बताएगा? वकील बाबू आए कि नहीं आए? पूरी फिक्र आके खुली रखना, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं। इस तरफ सर। चल चल चल। को यहाँ पे रुक, फंसा के रखो। मैं से लेके आता। चलो चलो चल। चुप।
कौन दोस्त है? मेरे पास नहीं आ रहा, भेजा उड़ा डालूंगा इसका, पहला बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ए चुप, जब इसे चिल्ला रही है बचा ले, सिमरन का दही कर दिया। देख रहे हैं, सिमरन को जाने दे, हम तुझे छोड़ देंगे। तुम मुझे छोड़ोगे? अरे मौका मिलता ही गोली मार दोगे, मालूम है मुझे। अगर सिमरन को कुछ हुआ तो तू वैसे भी नहीं बचेगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, छोड़ दो मुझे। घबराओ नहीं सिमरन, ये वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं, अभी बता दो। तेरी तो इसको रुक, ग्रेन। जैसा बोलता हूँ वैसा करो, बंदूक नीचे रखो। ठीक है, छोड़ दो से। एक बार मेरे शेरा भाई को छूट के बाहर आ जाने दो, फिर तुम, तुम्हारे ये साथी और ये सिमरन, सबका खेल खत्म। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग मेरा, कुछ नहीं। अब जिंदगी भर अपने शेरा भाई के पास जाके बैठना जेल में, समझा? सबको ले जाओ, अगर कोई हरकत की तो गोली सीधा भेजे में मारना। चल। तुम रिकी हो ना? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मुझे तो तुम्हारे भाई का नाम भी मालूम है, दक्ष। तुम सिमरन आंटी के साथ साथ यहाँ तक आए ना? हाँ, मैंने उन गुंडों को आंटी को किडनैप करते हुए देखा, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ पे आ गया। बहुत बहादुरी का काम किया तुमने। सर, हमें निशांत को खबर कर देनी चाहिए कि सिमरन मिल गई। तो निशांत फोन क्यों नहीं उठा रहा? हे भगवान, निशांत ठीक तो होगा ना? सिमरन रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, रिकी और सिमरन मिल गए। हाँ रिकी ठीक है सर, सब अगर ये निशान फोन नहीं उठा रहा। ओके सर, यस। ये सर अभी तक आए क्यों नहीं? अगला ही नंबर हमारा है, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी शुरू हो जाएगी। केस नंबर 324 की सुनवाई शुरू होने वाली है, बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष के वकील कोर्ट में पहुँचे। केस नंबर 324 की सुनवाई शुरू होने वाली है, बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष के वकील कोर्ट में पहुँचे। अब क्या करें, आखिर निशान सर रह कहाँ गए? एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके अगला नंबर लेने की कोशिश करता हूँ, तुम फोन ट्राई करते रहना, क्या पता सर रास्ते में ही हो। ओके? ये निशान का फोन बिजी क्यों हो रहा है भगवान? वो ठीक तो है ना? घबरा मत, निशान को कुछ नहीं होगा, आओ जल्दी चलो। निशान तो आप ठीक तो है ना? सिमरन वहीं रुक जाओ, प्लीज मेरे पास मत आना, प्लीज तुम मेरे कसम वहीं रुक जाओ प्लीज। एक मिनट निशांत, एक मिनट, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा यहाँ पर किसी को, हम लोग आए ना, हाँ घबराओ मत। देखो जरा, सब ऑन है, सिमरन नहीं फोन से कनेक्टेड है सर, हिलना नहीं निशांत, हिलना नहीं। लगता शेरा ने पूरा इंतजाम किया है निशांत को कोर्ट तक ना पहुंचने का, लेकिन हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे, उसे तो फांसी पर लटका के रहेंगे। पूर्वी, सिमरन को बाहर लेकर जाओ। आइए निशांत, आइए, नहीं देखे, आइए निशांत। कट देना जल्दी, अब आ जाइए सर। दया,
बॉम्ब डिफ्यूज करो। थैंक यू सर, आपने बचा लिया सर। दया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, इस निशांत को कोर्ट ले जाना होगा। देखो निशांत, घबरा मत, हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे, दया लेकर जाएगा। नियति, क्या हुआ, अगला नंबर मिला? नहीं मिली, और अगर सर 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुंचे ना तो केस की तारीख और आगे बढ़ जाएगी। ये नहीं हो सकता, अगर शेरा को और टाइम मिल गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। सर, 5 मिनट में अगर कोर्ट नहीं पहुंचे ना तो जज साहब तारीख बढ़ा देंगे, और अगर ऐसा हो गया ना तो शेरा कुछ ना कुछ तरीका निकाल के फांसी से बच जाएगा। सर निशांत, एक बात ध्यान में रखो, शेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा जब तक हम लोग तुम्हारे साथ हैं। केस नंबर 324 के लोग हाजिर हो। चलो निशांत, जल्दी चलो, कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी नहीं, चलो जल्दी। सिमरन, तुम यहीं रुको सर के साथ, ठीक है? मेरी टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ रह गए थे सर? वो सब बाद में बताता हूँ, चलो। अब क्या होगा सर? घबराओ मत सिमरन, चिंता मत करो, ये शेरा जैसे बहुत से मच्छर सीआईडी ने मसल लिए हैं, चिंता मत करो। शांत, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम केस जीत चुके हो, हैं? जी हाँ सर, अगर आप सब नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं था, और मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी सिमरन को खो चुका हूँ। हमने तो अपना फर्ज निभाया। शांत, ये मत सोचना कि मैंने हार मान ली है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा, समझा? तुम इसका काम तमाम करोगे? काम तो तुम्हारा तमाम हो चुका है शेरा, तुम्हारा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें फांसी की सजा हुई है तो इसलिए बोलती बंद, समझा? क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। ले जाओ इसे। बहुत बहादुर बच्चा है आपका रिकी, इसकी वजह से तो सिमरन बच गई। वैसे रिकी एक बात बताओ, ये दक्ष लापता कैसे हो गया है? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना अंकल। जब हमने उस घर में उन लोगों को आंटी के साथ मारपीट करते हुए देखा तो मैंने दक्ष को पापा के पास जाने के लिए कहा हेल्प के लिए, और जब दक्ष जा रहा था तभी एक बैड अंकल ने उसे जाते देख लिया। अच्छा, और तभी उस बैड अंकल से बचने के लिए दक्ष राजेश कुमार की गाड़ी के डिक्की में जाकर छुप गया, तो ये राज है दक्ष के लापता होने का। और फिर तुमने क्या किया? फिर अंकल, जब वो लोग आंटी को लेकर गाड़ी में जा रहे थे तो मैं चुपकर उनकी गाड़ी की डिक्की में बैठ गया आंटी को बचाने के लिए। और तुमने बचा भी लिया आंटी को, है? अरे क्या हुआ छोटे मियाँ? बैड अंकल फटफट आंटी। अरे छोटे मियाँ, फटफट तो बैड अंकल को आपकी वजह से हो रहा है। अंकल अंकल क्या हुआ छोटे मियाँ? गुड अंकल। मैं गुड नहीं हूँ, गुड आप है। आपको गुड अंकल। गुड अंकल, गुड अंकल।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।